एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड आरती सानी। तो आज हम एक ऐसा केक बनाने वाले हैं जिसके अंदर ना ही हम कोई फ्लावर यूज़ करेंगे, ना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ऐसा हम कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, ना ही हम इस केक को बेक करेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली अ नो बेक केक, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आप इस केक को बना सकते हैं। एंड इस केक की जो खासियत है वो ये है कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं जहाँ पे आपके पास किचन नहीं है, तो भी आप इस केक को इजीली बना के आप अपने बर्थडे पे इसको आप कट कर सकते हो। बिकॉज़ इस केक के साथ मेरी एक ख़ास मेमोरी जुड़ी हुई है, बिकॉज़ जब मैं हॉस्टल में थी तो वहाँ पे हमारे पास ऐसे कुछ किचन नहीं होता था, तो हम लोग बेसिकली मैरी गोल्ड के बिस्किट लेके उसके ऊपर चॉकलेट को स्प्रेड करके और उसको एक केक शेप देके हम लोग उसको कट करते थे हॉस्टल में। बट ये केक थोड़ा सा अलग है एंड उससे बहुत बेहतर भी है खाने में, एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो खासकर जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं तो उनके लिए तो ये केक बहुत ही बेस्ट है। बिकॉज़ कभी कभी ये होता है कि हमारे पास बेकरी नहीं है या हम इंस्टेंट बेकरी से कभी कुछ ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस आप इस केक को बना के इंजॉय कर सकते हो किसी भी टाइम। सो दिस इज़ सुपर ईजी केक, सुपर यमी केक। सो जल्दी से हम बनाना स्टार्ट करते हैं नो बेक केक। सो नो बेक केक बनाने के लिए यहाँ पे आपको लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो जिसके अंदर आपको लेना है ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने हेज़लनट, कैश्यू नट एंड आलमंड लिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स आपके चॉइस के हिसाब से आप ऑप्ट कर सकते हो। एंड ये मैंने लिए है चोको चिप्स ब्लैक एंड वाइट। सो ये अगेन ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने अमूल फ्रेश क्रीम ली है 2 टेबल स्पून। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स देखिए आप, आपको जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसका कोई एग्जैक्टली रेशियो मैं नहीं बताऊँगी, बिकॉज आपको अगर ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा फ्लेवर चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड करिए, कम चाहिए तो आप कम करिए। एंड यहाँ पे मैंने डार्क और मिल्क चॉकलेट दोनों का कॉम्बो लिया है, तो 50% मैंने डार्क चॉकलेट लिए एंड 50% मैंने मिल्क चॉकलेट लिए। सो आप चाहो तो आप इसे प्योर मिल्क चॉकलेट से बना सकते हो या प्योर डार्क चॉकलेट से भी बना सकते हो। एंड उसके अलावा हमें यहाँ पे लेने हैं मैरी गोल्ड के बिस्किट। सो बिस्किट अगेन आपकी चॉइस है, आप चाहें तो कोई और बिस्किट जो आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं एक रिंग लूँगी, तो आप रिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी बेकिंग ट्रे ले सकते हो, जिस भी साइज़ का आपको केक बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंग्रेडिएंट यूज़ करिए। तो सबसे पहले हम अपनी चॉकलेट को मेल्ट करेंगे क्रीम के साथ। सो यहाँ पे मैं अमूल फ्रेश क्रीम ले रही हूँ, उसे मैं थोड़ा सा हीट अप करूँगी। तो जैसे ही मेरी क्रीम हीट होगी इसके अंदर मैं अपनी चॉकलेट ऐड करूंगी। तो जैसे ही आपकी जो ऑलमोस्ट चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाएगी तो आपको इंडक्शन ऑफ कर देना है, और आप इसे डायरेक्टली स्टोव पे भी बना सकते हो एंड माइक्रोवेव के अंदर भी आप इसे मेल्ट कर सकते हो। सो अब मैं इसे रिमूव करूंगी यहाँ से। सो यहाँ जो हमारी चॉकलेट है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर मैं अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी एंड यहाँ पे हमें बिस्किट यूज़ करना है तो मैं बिस्किट को क्रश कर। सो यहाँ पे आपको बिस्किट थोड़ा सा रफली क्रश करना है एंड इसे हम ऐड करेंगे अपनी चॉकलेट में और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हमारी चॉकलेट जब थोड़ी सी कूल डाउन हो जाएगी देन हम लोग इसमें चोको चिप्स ऐड करेंगे, अदरवाइज अगर आपने अभी ऐड करी तो आपके जो चॉकलेट चिप्स हैं वो अभी मेल्ट हो जाएंगे। तो जब तक कि जो हमारी चॉकलेट है वो कूल डाउन होती है तब तक हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं बाकी की। एंड अपनी रिंग को प्लेट के ऊपर रखूंगी
और क्लिंग रैप को कवर करूंगी। और इस तरह से आपको अपनी रिंग को कवर करना है। सो यहाँ पे हमारी जो चॉकलेट है वो कूल डाउन हो गई है। अब इसके अंदर हम अपने चोको चिप्स ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी आपको सारा का सारा जो चॉकलेट है वो आपको इसमें ट्रांसफर करना है। और इसे चारों तरफ से आपको अच्छी तरह से प्रेस करना है। तो अब आपको अपने केक को ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। तो अब हम गनाश बनाएंगे अपने केक की आइसिंग के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर गनाश बना रहे हैं तो आपकी जो चॉकलेट है एकदम इक्वली एंड फाइनली चॉप होनी चाहिए। एंड उसके अलावा मैं यहाँ पर लूँगी अमूल फ्रेश क्रीम। सो सबसे पहले हम अपनी क्रीम को थोड़ा सा बॉईल करेंगे। जैसे ही थोड़ा बॉईल होगा उसके बाद हम इसे अपनी चॉकलेट के ऊपर पोर कर देंगे। तो इसे मैं माइक्रोवेव करूँगी ऑलमोस्ट 10 से 15 सेकंड के लिए। तो जैसे ही मेरी क्रीम बॉईल होती है मैं इसे अपनी चॉकलेट के ऊपर पोर कर दूँगी। एंड में से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सो अ गनाश इज ऑल्सो रेडी। यू जस्ट हैव टू प्रेस इट स्लाइटली फ्रॉम द बॉटम। Just remove the cling wrap. So now मुझे अपने केक को फिनिशिंग देनी है थोड़ी सी। तो फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे मैं हॉट वाटर ले रही हूँ एंड मैं स्पैचुला ले रही हूँ। सो आपको अपने स्पैचुला को डिप करना है एंड यू जस्ट हैव टू वाइप इट एंड क्लीन इट। डोंट वरी अबाउट दिस वाइट पार्ट, दिस इज एक्चुअली फैट विच कम्स ऑन द टॉप। सो हमारा जो गनाश है वो रूम टेम्परेचर पे आ गया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू पोर माई गनाश। नाउ अब मैं अपने स्पैचुला की हेल्प से इसको लिफ्ट अप करूंगी एंड आई एम गोइंग टू प्लेस इट ओवर पार्चमेंट पेपर। एंड अब इस केक को हम रेफ्रिजरेट करेंगे कुछ देर के लिए। सो वंस गनाश इज लिटिल सेट, सो आपको क्या करना है, आप इस पर किसी भी तरह का डेकोरेशन टॉपिंग आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं येलो चॉकलेट ले रही हूँ एंड मैं इसे हल्का सा कट करूंगी। उस पर मैं ये एडिबल फ्लावर्स है वो यूज़ करूंगी। सो हियर योर इजी पीजी क्विक चॉकलेट केक इज़ रेडी। दिस इज़ नो बेक केक एंड ट्रस्ट मी, ये जितना अच्छा इसका लुक आता है उतना अच्छा ये खाने में भी है। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये केक कैसा लगा। एंड अगर आप हॉस्टल में रहते हैं और आपके पास अगर
लाइक क्रीम वगैरह ये सब आप इतना सामान यूज़ नहीं करना चाहते हैं आइसिंग वगैरह के लिए, तो आप सिंपली चॉकलेट को मेल्ट करके भी इस अपने केक को कवर कर सकते हो। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज और भी ऐसी बहुत सारी ईजी सी रेसिपीज़ एंड बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पर लेके आती रहती हूँ। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्टी चोकोज़।